इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है ना ग्रेवी बनाने के बाद, उसका तो क्या कहना, एकदम वर्थ होता है। मतलब वो जो टाइम लगता है ना, 6 से 7 मिनट लगते हैं सिर्फ प्याज को पकाने में, लेकिन जो ग्रेवी बहुत ही बढ़िया आती है। तो ये देखिए, प्याज एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और ब्राउन भी हो गए हैं और एकदम जले भी नहीं है। तो इस समय हम डाल देंगे सारे सूखे मसाले, क्योंकि तेल और प्याज में मसाले डालने से ना उसका टेस्ट और कलर भी बढ़ जाता है। तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिए, वरना आपके मसाले जल सकते हैं। तो इस समय इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली का पाउडर, 1 चम्मच में डाल रही हूँ धनिया का पाउडर, और बस 2 चम्मच में डाल रही हूँ छोटे चम्मच बेसन की। जी हाँ, बेसन से आपकी ग्रेवी को एकदम अच्छा सा बैलेंस मिलेगा और वो एकदम ना लटपटी बनेगी। मतलब चिकन के पीसेस के साथ जो ग्रेवी है ना, अच्छे से कोट हो जाएगी। मतलब आपकी चिकन अलग और जो ग्रेवी है वो अलग से पानी पानी वैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, यानी कि ग्रेवी एकदम ही गाढ़ी हो जाएगी और साइड से पानी बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। वैसे तो ये ऑप्शनल है, बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इसे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है और इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं आता है ग्रेवी में, बट ग्रेवी बहुत ही लटपटी बनती है। आप ट्राई करके देखिएगा। इसे भी थोड़ी देर मिक्स करते जाएंगे ये देखिए थोड़ी सी झाग आ रही है, मसाले एकदम अच्छे से पक गए हैं तेल में प्याज के साथ, और आपको दिख ही रहा है कि बेसन भी अच्छे से भून गया है तेल में। तो इस समय हम डाल देंगे इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे, यानी कि भूनेंगे इसे हम चिकन को प्याज के साथ करीबन 6 से 7 मिनट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना अगर आप टमाटर डालने के बाद चिकन डालेंगे ना, मतलब मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया है, टमाटर डालने के बाद आप चिकन को डालेंगे ना, तो चिकन अच्छे से भुन नहीं पाता टमाटरों के पानी की वजह से। तो इसलिए हम चिकन को इस स्टेज पर डालेंगे, और जैसे इसमें ऊपर से अच्छी सी वो मीडियम फ्लेम पर, तो करीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं, चिकन में मसाला अच्छे से कोट हो गया है। ये देखिए एकदम अच्छे से कोट हो गया मसालों के साथ और प्याज के साथ जो हमने डाला था। तो अब इस समय हम इसमें डालेंगे टमाटर का प्यूरे। तो इसके लिए मैंने 4 टमाटर लिए थे और हरी मिर्चें, और इसे थोड़ी देर पकाएंगे। तो टमाटरों के साथ इसे थोड़ी देर पहले पका लीजिए करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आप चाहें तो टमाटरों को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको फाइनली चॉप करके, मतलब एकदम बारीक काट के भी डाल सकते हैं, उससे भी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। लेकिन क्या होता है ना, पीसने से ग्रेवी एक काट लेती हूँ और टमाटरों को ना ऐसे पीस लेती हूँ, उससे एकदम परफेक्ट ग्रेवी बनती है। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने टमाटर जब डाले थे ना, उसके साथ ही मैंने नमक डाल दिया था, तो आप अपने हिसाब से नमक यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे थोड़ी देर और मिक्स करते जाएंगे पूरे लोएस्ट फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए, या फिर जब तक चिकन पूरी तरह से पक ना जाए, सॉफ्ट ना हो जाए और साइड से तेल ना छूटने लगे। और आप चाहें तो यही प्रोसीजर ना ढक्कन लगा कर आप इसमें 1 सीटी आने दीजिए, और उसके बाद इसको लोएस्ट फ्लेम पर रख दीजिए बस 2 मिनट। अरे वाह, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है ग्रेवी का, चिकन भी अच्छी तरह से पक गया है। ये देखिए, मैं आपको ना ये फोक से या फिर नाइफ से मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। एकदम चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, एकदम आर पार हो रहा है ना, अंदर तक के एकदम पूरे तरीके से पक गया है, और साइड से ना ये देखिए तेल भी छूटने लगा है। इसका मतलब जो ग्रेवी